दीपक सर, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों से मैं बात कर पा रही हूँ, क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ तो बचपन से ही चैलेंजेस थे। अगर अपने बचपन की बात बताऊँ तो पहले तो हम 6 भाई बहन हैं, तो 6 भाई बहन तो समझ सकते हो कि एक परिवार में 6 भाई बहन है तो पेरेंट्स की कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और मेरे पापा मिल वर्कर थे, तो हमारी जैसे आरती मैम ने कहा ना कि यहाँ मेरी लाइफ थी, वो लाइफ हमारी यहाँ थी। मिडिल क्लास देखा है आपने? देखा है कि नहीं मिडिल क्लास? मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी? अपर मिडिल और लोअर मिडिल। तो हम लोअर मिडिल फैमिली से आते हैं और यूपी से बिलोंग करते हैं, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि शायद कुछ अच्छे कर्म किए थे, शायद इसीलिए मेरे पापा ने अपने हैसियत से ज्यादा मुझे पढ़ाया, राइट? क्योंकि पैदा तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं ना, लेकिन उसको सही लाइफ देना वही मेरे फादर ने प्रूफ किया। लेकिन जब बात आती अगेन, इम्तिहान चल रहा था, तो जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो घर में पार्टीशन हुआ, बड़े पापा और मेरे पापा में पार्टीशन हुआ, तो मम्मी गाँव रहने लगी। और जब मैं 6 साल की थी, हार्डली 6 साल की, उस एज से मैं अकेले रहने लगी अपने फादर के साथ। मैं, मेरे भाई और मैं पापा, हम 3 लोग रहते थे। सोचो उस एज में क्या होता, जिस एज में हमने अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था, राइट? लेकिन स्कूलिंग किया, स्कूलिंग के बाद कॉलेज किया, लेकिन ड्रीम बहुत बड़े थे, हद से ज्यादा बड़े, क्योंकि मुझे बड़ा घर चाहिए था, बड़े जगह, मतलब सोशल रहना चाहती थी, लोग मुझे पहचाने। शायद उस ड्रीम का नतीजा है आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, राइट? बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए स्कूल टाइम में, क्योंकि फादर का हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आया, फिर पैसे कम थे, लेकिन दिल से कुछ ना कुछ जुगाड़ हुआ। बीइंग अ सिंगल लड़की जो अभी तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, जिसपे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी कि फादर को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, भाई बहन आपस में हम रहने लगे थे, हम उनको भी संभालना है। और ये सारी चीजें करते करते मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की, अपना कॉलेज खत्म किया, आई डिड बीकॉम। उसके बाद फादर ने बीआरएस लिया, उन्होंने कहा अब मेरे से ज्यादा काम नहीं हो पाएगा, तो एक काम करते हैं, मिल ऑफर कर रहा है, बीआरएस ले लेते हैं। तो वो बीआरएस लेके गाँव सेटल हो गए। अगेन हम फिर अकेले, पहले मम्मी रहने लगी थी, अब पापा रहने लगे। तो वो जो सिंगल जो लोग है ना, बच्चे जो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं, यार ये तो मेरी मम्मी टोकती रहती है, मेरे पापा मुझे टोकते रहते हैं, सोचो उस बच्चे का दर्द क्या है जिसके पास मम्मी पापा दोनों नहीं होते हैं, राइट? तो कुछ इसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ कि हम भाई बहन अकेले अपने आप को संभाल रहे थे। और पापा ने जो बी एल एस से पैसा मिला था, उन्होंने मुझे उसमें से ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट में डिप्लोमा करवाया। कॉलेज से जब मैं कोर्स कर रही थी उसी टाइम पे मुझे प्लेसमेंट मिल गया, क्योंकि आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट। और जब प्लेसमेंट मिला, लेकिन एक इसके पहले की जर्नी बताती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी और जब मैं वो कोर्स कर रही थी, उसके पहले तक ना एक लाइफ पार्टनर जैसी कोई चीज मेरे दिमाग में चलती ही नहीं थी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि भाई जो मेरे से छोटा है या बहन जो छोटी है या बड़ा भाई है, सबके लिए माँ बन के बैठी थी मैं, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ आगे कुछ समझ में नहीं आता था कि लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। इस एज में ना लोग समझ में आता है लोगों की, हमारी गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए, कितनी खूबसूरत होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड के पास गाड़ियां कौन सी है, बॉयफ्रेंड कैसा है, हमारे टेंथ तक को समझ में नहीं आता, बिकॉज दब चुके थे रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, राइट? और फिर जब इस बीच में जब हम संगत का असर पड़ता है, लोगों ने कहा नहीं श्री, हमको सोचना चाहिए, अपने रिलेटिव में जो भी सिस्टर्स थी वो लोग बोलती थी नहीं लाइफ पार्टनर सोचना चाहिए। तो मैंने कहा लाइफ पार्टनर जब चाहिए भी ना, तो कोई ऐरा गैरा नहीं चाहिए मुझको कि मतलब एक नजर में शक्ल पसंद आ गई और कर लिया, नो, चेकलिस्ट लगा लिया। लड़का संस्कारी होना चाहिए, वेल सेटल्ड होना चाहिए, सोशली उसका इमेज इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट? तो ये सारे सपने सजोए, कॉलेज खत्म किया, अपना मैंने डिप्लोमा का कोर्स खत्म किया, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, और उसके बावजूद भी तब भी दिमाग में यही चीज चलती थी कि चेकलिस्ट बना के रखना है, चेकलिस्ट के हिसाब से कोई आ गया लाइफ में तो ठीक है, नहीं तो फिर जहां मम्मी बाबू जी बांध देंगे वहीं पे मैं चली जाऊंगी, राइट? लेकिन हुआ क्या, बोलते ना जब आपका ड्रीम बहुत स्ट्रांग होता है, आपका विजुअलाइजेशन पावर जब बहुत स्ट्रांग होता है, तो कोई चीज आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में एक कर देती है। मेरा आई थिंक फोर्थ ईयर था जॉब का, थर्ड ईयर था, फोर्थ ईयर का फर्स्ट कुछ मंथ्स चल रहे थे। उस टाइम पे एक सोशल मीडिया पहले चलता था, कितने लोगों को ऑर्कुट पता है, ऑर्कुट पता है, पहले ऑर्कुट होता था, तो
कॉर्पोरेट से मुझे एक सामने से मैसेज आया और हम उस एक कम्युनिटी में ज्वाइन थे। हमारी जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी का एक ग्रुप था और वहां से मुझे एक मैसेज आया एक लड़के का। उसने कहा कि आपका प्रोफाइल देख के लगता है आप काफी एम्बिशियस है। मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यंग एंड यूथ एम्बिशियस लोगों को ऑफर करता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम इस पर मिलकर बात करते हैं। तो आई वॉज वेरी फोकस्ड। तो मैंने कहा जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है तो जॉब के साथ साथ तो वैसे भी मुझे कुछ करना है, क्योंकि पापा गांव रह रहे हैं, भाई बहन आपस में संभालना है, कितना हम मांग मांग के कर सकते हैं, राइट। तो फिर मैंने कहा चलो लेट्स सी। तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बहाने हमें उनको मिली और सच में मेरी जिंदगी में नेटवर्किंग बिजनेस आया 2010 में, राइट। मुझे नहीं पता था ये क्या चीज है, ये मेरे लिए कोहिनूर जैसा था, क्योंकि जो इंसान सामने बोल रहे थे उनको मैंने देखा वो बहुत अच्छे पोस्ट में है, नेटवर्किंग बिजनेस कर रहे हैं। तो जो जिन्होंने मुझे बुलाया था तो मैंने उनको बोला कि आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप भी महीने का बहुत अच्छा खासा कमा ले रहे हो, सामने वाला स्टेज पे आईएएस ऑफिसर है वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है, तो एक काम करते हैं स्टार्ट कर देते बिजनेस को, राइट। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब करते थे साथ में ये भी काम करते थे, अगेन फोकस ना था रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, लेकिन चेकलिस्ट थी ना तो बोलते गॉड वो प्लानिंग कर रहे थे। तो हम एक दूसरे के घर आने जाने शुरू हो गए, जिसने मुझे इन्वाइट किया था उस बिजनेस के लिए, घर आना जाना शुरू हो गया, चेकलिस्ट मेरी कहीं